टू एफ एस एंटरटेनमेंट, मेबन गोट फार्म वसई में हूँ मैं अरफात भाई के साथ और उनके क्लाइंट हैं। हम कवर कर रहे हैं आपका रिप्लेसमेंट जो ऑफर है जी। तो ऐसे नहीं कि भाई आप सिर्फ बोलते हो, आपने एक्चुअली लोगों को दिए भी है जी फाद भाई। और ये साल का जो बकरा ईद के बाद का जो रिप्लेसमेंट है, एक तो अपन ने शूट किए थे पहले वाली जी, हाँ आदिल भाई को जो दिए थे, बकरा ईद के बाद जो मेरे पास जो ये 2021 का है जी, 2022 सीजन, क्या हुआ था बताओगे बकरे के साथ? फाद भाई दरअसल ईद के बाद मेरे को ना इरफान भाई का कॉल आया कि उनको बकरा रखना है पलाई पे, और वो उन्होंने बहुत छोटेपन से मतलब घर पे पाले थे, काफी अटैच था इनकी फैमिली से वो बकरा, तो इनने मेरे पास लेके आके दिए। बकरा बहुत फिट एंड फाइन था माशाल्लाह, घूम रहा था, फिर रहा था, दौड़ रहा था, अचानक से सडन डेथ हुई फात भाई उसकी। एक दिन मतलब रात में उसने खाना खाया और सुबह बैठ गया और दम तोड़ दिया। और कौन सा बकरा था वो? फात भाई वो मालवा था। मालवा था जी। इरफान भाई आप हो जी, और आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज, और आपका नाम? मुदस्सिर। कहाँ पे रहते हो इरफान भाई आप? मलाड़ी। और आपने कब रखा ये फार्म पे बकरे? जो मेरा बकरा लाया था वो, हाँ हाँ, वो मैं जब वो 2 महीने का बच्चा था, छोटा सी, मैंने MP से उसको मंगाया था, और 2 से 3 महीना मैंने उसको घर पे पाले थे हम लोग ने, हाँ। फैमिली में मतलब वो घर के अंदर ही रहता था। और फिर कैसा हुआ कि हमको गाँव जाना था घर, हाँ? वालों को, घर वालों को गाँव जाना था, तो बकरा रखने की कोई जगह नहीं थी, तो अम्मी बोले कि फार्म पे छोड़ देते। अम्मी नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि फार्म पे छोड़ देते और थोड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और मैं लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो भाई 24 घंटा भी मतलब मुश्किल से गुजरा था, 24-36। अच्छा, इमीडिएटली डेथ हो गई? हाँ, 36 घंटा मतलब यहाँ के लाके छोड़ा हूँ, और 36 घंटे में मेरे को सुबह 7 बजे भाई का फोन आता है, पास्ट अवे करके, आपका बकरा चिल्ला रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, क्या करूँ। मैं बोला भाई थोड़ा उसको दवा पानी करो, मैं आता हूँ अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी। भाई ने 11 बजे फ़ोन किए कि भाई आपका बकरा तो एकदम सीरियस हो गया है, बोले मुश्किल है बच पाना। तो भाई मैं वही टाइम पे निकला वहाँ से और यहाँ आया, और भाई वो दम तोड़ दिया था जब तक आने तक। सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। मैं ये पूछना चाहता था, आप कितने साल से पाल रहे हो बकरा यहाँ पे मेमन गुड फार्म? मेमन गुड फार्म पे तो भाई बस 1.5 दिन हुआ था। हाँ, वही मैं पूछना चाहता था कि सिर्फ पुराने क्लाइंट्स को या सभी को देते हो? नहीं नहीं फाद भाई, सबके लिए, जो नवे पुराने इसमें कोई भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट इनका तो पहला दिन ही था मेरे ख्याल से मेमन गुड फार्म पे, सो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है क्या भाई, ज्यादा लोग इसी से डरते हैं बकरे पालने से, भाई बकरे को कुछ हो गया तो हमारा तो पैसा चला गया ना पूरा। आपका बकरा था मालवा अंडुल, कितने किलो का था वो? लगभग 28 बच्चा ही था वो भी। तो अरफात भाई आप बोलते थे मालवा अगर एक नस्ल का बकरा मरा जी, तो वही नस्ल का बकरा, वही कलर का और वही वेट का ट्राई करोगे? जी जी, ठीक है भाई। आप पूछ सकते, क्लाइंट सामने बैठे, मैं इनसे पूछता हूँ, आपको मालवा क्यों नहीं मिला? ऊंचा बोलना थोड़ा। भाई ने मालवा मुझे दिखाए, बहुत सारे मालवा और कोटा और भी बहुत सारी ब्रीड दिखाई, ओके, लेकिन लास्ट में मेरा दिल इस पे आ गया। अच्छा, आपकी पसंद का? मेरी पसंद थी, और अरफात भाई ने भी मतलब मुझे सजेस्ट किए ये माशाल्लाह अच्छा रहेगा। दरअसल क्या था, मालवे के जंगल की वीडियोस मैंने डाली, मेरे को एक बकरा पसंद है, भाई को भी पसंद है, बाद में मैं बकरे को देखा, फिर बकरा मेरे को समझ में भी नहीं आया, ओके। फिर मैंने भाई को बोला कि मेरे और लॉट आने वाले बकरों के, आपको अगर उसमें से पसंद आता है तो दोस्तों 8-10 बकरे, अभी मेरे पास 25 बकरे आए थे, उसमें से ये बकरा था। बकरा भाई को मैंने ऑप्शन दिखाए ठीक, और उनको ये पसंद है, उनके भाई भी थे सऊदी से। आई थिंक तो ये अच्छी बात है, अगर किसी का गुजरी भी मरता है तो ऐसे क्या आप उसका कोटा भी दे सकते हो? फाद भाई अगर बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा, उसी बजट में तो दे दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो विच इज नाइस, तो आप रखिए यहाँ पे पलाई में। पलाई का ऑफर कितना? मैं इतना बोल रहा हूँ, दोनों जगह से कोऑर्डिनेशन मतलब एब्सोल्युटली, कस्टमर का इनका भी मतलब, मेरे साथ में बकरा मरने के बाद भी जब सीजन चल रहा था बीमारी का फेस, मैंने बकरे जंगल से मंगाए नहीं था। आई एम सॉरी टू इंटरव्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लू बर्ड, ये अक्सर घूम रहे हैं, कम करीबन एक नेचर के करीब 15 दिन से देख रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे फार्म पे। तो यहाँ पे रखिए पलाई पे, 3,000 रुपए है राइट पलाई का? 3,500 रुपए अंडर की है, 3,000 रुपए खस्सी बकरी। बच्चों का कितना है? 2,500 रुपए। क्या क्या वेट तक के फाद भाई? क्या दो दांत तक के? 40-45 kg तक के बकरा रहेगा तो वैसे। अभी ये कितने किलो का था जब आया? तो फाद भाई हम लोग ने ना इसका वेट नहीं किए थे बकरे का, आया था भाई लोग बहुत मतलब टाइम के बाद थोड़ा बकरा मिला इनको, जैसे हम 40 डेज रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना फाद भाई, तो सीजन थोड़ा आगे पीछे था, बारिश बहुत थी, okay. तो उनको थोड़ा सा डिले मिला है बकरा। तो ये जो रिप्लेसमेंट जो ऑफर है ये डे वन से नहीं होता, अगर बाहर से कोई बकरा आया तो 1 महीने के बाद किक ऑफ होता है। फाद भाई ये 30 डेज कैसा मसला था मालूम है क्या? तो इनको कैसे मिल गया फिर फर्स्ट फाद भाई? इनका अटैचमेंट मैंने ऐसे बहुत कम क्लाइंट देखे,
ये बकरा छोड़ के गए और ये आए और बकरे को देख के सिर्फ रोए जा रहे थे। मेरे को वो बर्दाश्त नहीं हुआ यार, इतनी मोहब्बत जानवर के साथ में, और उनको ये बोल के मतलब अलविदा कर दो कि मेरी एक महीने के बाद थी तो भी मुझे देना है। बट इतनी मोहब्बत देखने का, मैंने बोला फिक्र मत करो, आपको इंशाल्लाह मैं इससे बेहतर बकरा दूंगा। गुड यार, दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर। इनका एक्चुअली पॉलिसी थी कि भाई आपको नहीं मिलता था फ्री बकरा, फिर भी आपको मिला, तो आई थिंक ये इनका बड़प्पन है और अच्छी बात है कि आपको नुकसान नहीं होने दिए, तो ये आपको एनकरेज करेगा कि यहाँ पे रखो। हाँ, मैं तो और भी लोगों को बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि यहीं पे रखे, पहले आके मिले और अपना बकरा यहीं लाए। बिल्कुल, चलिए आज कौन सी तारीख है, फर्स्ट ऑफ फरवरी करा देते हैं इसको, फिर ईद के टाइम पे आएंगे, इसका प्रोग्रेस भी देख लेंगे कितना बड़ा है, आपकी पलाई भी पता चल जाएगी। मशीन चल रही है, चलो चलिए खड़ा करते हैं। कितना होगा, 30 चलने 40 किलो के ऊपर आएगा। फोर्टी टू पॉइंट टू है और आज है 1st of February। हम बनाएंगे कुछ महीनों के बाद, प्रोग्रेस देखेंगे इरफान भाई कितना आता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये साल खुलवाएंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए? नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, चलिए फिर भी प्रोग्रेस देखेंगे हम कितनी होती है। अदंत है माशाल्लाह, चलिए बहुत बहुत मुबारक। कुछ नाम है बकरे का? कोई नाम पहले वाले बकरे का तो अल चापो रखे थे। अल चापो, चापो, हाँ, चापो, वेब सीरीज की ओके, और उसका नाम क्या? अल चापो, ओके चापो, इसका भी सोच रहे वही रखे, छाप के देगा आपको, बेचोगे ना बाद में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।